से डेंगू से आने वालों पर बड़ी गिर सकती है। अगले हफ्ते से नेगेटिव आरटीपीसीआर जरूरी हो सकता है। अब तक 43 इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव। बीमार मां का हालचाल लेकर पीएम मोदी दिल्ली रवाना। करीब डेढ़ घंटे अस्पताल में रहे। राहुल ने लिखा, इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ। धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा का जन्मदिन आज। रतन टाटा 85 साल के हो गए, जबकि रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का ये 90वां जन्मदिन। जीवा धोनी को मिली मैसी के साइन वाली जर्सी। सबसे शेयर की फोटो, कैप्शन में लिखा, जैसा पिता वैसी बेटी। तुनिशा के बेहद करीब थी सुजान की बहन फलकनाज। अंतिम संस्कार में बिलखती दिखी तुनिशा ने 3 हफ्ते पहले लिखा था, माय फेवरेट पर्सन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल से छूटे। 1 साल 1 महीने 27 दिन बाद बाहर आए। बोले, मुझे झूठे केस में फंसाया। चंद्राकोटी के बेटी की हाई प्रोफाइल शादी कैंसिल। जैसलमेर में 2 महंगे होटल बुक थे। सीबीआई की गिरफ्त में है कोचर दंपति। पाकिस्तान के मैच में दर्शक ही नहीं, अब मुफ्त में टेस्ट दिखाएगा पाकिस्तान बोर्ड। स्टूडेंट्स के लेकर बुजुर्ग तक के स्टेडियम में आने की अपील। शादी पर पहली बार बोले राहुल गांधी, कहा, मैं ऐसी महिला चाहूंगा जिनमें मेरी माँ और दादी के गुण हो, दोनों ही के गुण उसमें अच्छा हो। चीन में ब्रिज पर टकराई 200 गाड़ियां। वीडियो एक की मौत, कोहरे से विजिबिलिटी 200 मीटर तक घट गई। बुरहानपुर में जिला कलेक्टर भव्य मित्तल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। रेत माफियाओं पर माइनिंग इंस्पेक्टर गोविंद पाल की बड़ी कार्रवाई। खनिज विभाग की टीम ने की बड़ी मात्रा में जब्त रेत। बेमेतरा के देवरबीजा में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भूपेश, वापस जाओ के नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। बाबा भूरेश्वर की मजार पर जाने वाले यात्रियों की जान के साथ किया जा रहा खिलवाड़। दरगाह के विकास एवं देख रखाव पर दरगाह प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। उत्तराखंड राज्य सीमा बॉर्डर कुलहाल क्षेत्र में स्थित। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। शहर में सुबह सुबह छाया कोहरा। सर्द हवाओं ने लोगों का किया बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर नगर में निकाला गया कीर्तन। सुख समुदाय और सुख शांति के लिए 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह महाराज की आज 556वीं प्रकाशी जयंती। अल्मोड़ा में नए वर्ष को लेकर पुलिस अलर्ट मोड़ पर। शहर में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। लापरवाही करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। 18 जिलों से होते हुए पन्ना पहुंची चौरसिया समाज की जन चेतना रथ यात्रा। गौरव चौरसिया ने कहा, जो समाज का रखेगा मान उसका होगा मतदान। रथ यात्रा का स्वागत कर आराध्य गुरु का लिया आशीर्वाद। अफगानी प्रोफेसर ने लाइव प्रोग्राम के दौरान अपनी डिग्रिया फाड़ी। बोला, ऐसी शिक्षा मंजूर नहीं जहां मेरी बहन न पढ़ सके। ऋषा शर्मा सुसाइड पर कंगना रनौत ने किया रियाज। बोली, महिलाओं का शोषण करना मर्डर के समान है। ऐसे लोगों को तुरंत मौत की सजा मिली। दुनिया में कोरोना का खतरा। अमेरिका ने कहा कि जानकारी छिपा रहा, वहां से आने वाले सभी मुसाफिरों की निगरानी होगी। हल्द्वानी में मौसम विभाग का अलर्ट। मैदानी इलाकों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी दिखेगा शीतलहर का असर। घरों में कैद होने के लिए मजबूर हुए। छतरपुर में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा। शौर्य यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में शौर्य यात्रा का आयोजन। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस कमिश्नर ऑफिस का उद्घाटन। मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई ने किया उद्घाटन। गृहमंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र रहे मौजूद। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर बोले रविशंकर प्रसाद, सुशांत सिंह के प्रति हमेशा रहेगा आदर। बिहार का होनहार बच्चा था किसान। जम्मू के सिविल सचिवालय में लगी आग। सचिवालय की चौथी मंजिल पर आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद।